राखी स्पेशल डे पे मैं लेकर आई हूँ बच्चों के लिए चॉकलेट पिस्ताचिओ कप और चॉकलेट डोम। ये हेल्दी भी हैं, ये ड्राई फ्रूट से बने हैं, इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने मिल्क कंपोनेंट चॉकलेट लिए 120 ग्राम, आप इसे किसी भी बेकरी शॉप्स में मिल जाती है, और यदि नहीं मिले तो आप अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं और अमूल या कैडबरी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है। अब मैंने पहले से पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था, अब इसे मेल्ट करेंगे। 2 से 5 मिनट के अंदर मेल्ट हो जाती है, देखिए कितनी जल्दी होने लगी है। आप इसे माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं, 30 सेकंड के लिए रखना है, निकाल के इसको फिर चेक करना है। फिर से अगर नहीं होती है मेल्ट, वापस आप 30 सेकंड के लिए रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं रखिएगा, नहीं तो ये जल जाएगी। ये देखिए हो गई है। अब इसे मैं 2 से 3 मिनट तक के लिए ठंडा होने दूंगी, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है। अब मैं यहाँ पे डोम के लिए यूज़ कर रही हूँ सिलिकॉन मोल्ड्स, जो इजीली मिल जाते हैं किसी भी बेकरी शॉप पे या फिर आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे। अब यहाँ मैंने एक छोटा चम्मच चॉकलेट डाली है, इसे मैं अच्छे से कवर कर लेंगे और इसे फ्रिज में 5 मिनट के लिए रख के फिर वापस सेम चीज़ हम करेंगे ताकि इसका ये मोटा शेल बन जाए। और यदि आपके पास ये ना हो तो आप स्टील की कटोरी पर बटर पेपर लगा के भी डाल सकते हैं। अच्छे से चारों तरफ देखिए कवर हो जाए। अब यहाँ मैंने लिए हैं 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम अखरोट, टोटल मिला के 100 ग्राम है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस के ले सकते हैं। इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है, बहुत पाउडर फॉर्म नहीं करना है, थोड़े से नट्स रहने दीजिएगा, देखिए इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे डाइजेस्टिव बिस्किट लिए हैं, आप कौन से भी बिस्किट ले सकते हैं, इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर पाउडर बना लिया है, ये बिस्किट का पाउडर और ये नट्स का पाउडर है, दोनों इक्वल क्वान्टिटी में लेना है। अब मैंने यहाँ बिस्किट का पाउडर लिया, उसमें मैं नट्स पाउडर मिला रही हूँ, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको बाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया मिल्क मेड, 1.5 बड़ा चम्मच मैंने मिल्क मेड लिया है इसमें। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे, इसे मैं आटे की तरह ही लगाना है कि आटा जैसा हो जाइए। अब इसे मैं ये हाथ से लगा लेंगे, इन सबको मिक्स कर लेंगे। जितना मिल्क में डाला था उसी से ही लग जाएगा, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है। यदि आपको फिर भी थोड़ा सा ड्राई लगता है तो आप थोड़ा सा मिल्क में मिला सकते हैं। ये इस तरीके से देखिए टाइट हो गया है आटे की तरह। अब ये रेडी हो गया, इसे साइड में रख देते हैं। चलिए अब फिलिंग की तैयारी करते हैं। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पिस्ता, आप चाहे तो ऑप्शनल कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने 25 ग्राम पिस्ता लिया है, अनसॉल्टेड पिस्ता लिया है। इसे 2 मिनट पानी में उबाल लिया है, छिलका निकल जाए इसलिए, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। इसे मुझे ग्रीन कलर का पेस्ट चाहिए इसका, इसलिए मैं इसको छिलके निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके हो गए। हमारी नेक्स्ट रेसिपी में भी इसका यूज़ होगा पेस्ट का, क्योंकि मैं बनाऊँगी चॉकलेट विथ पिस्ताचिओ क्रीम। अब यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, अगर ऑप्शनल है, ज़रूरत पड़ सकती है नहीं भी। इसमें सरसों का तेल और मूँगफली का तेल दोनों नहीं लेना है, ये याद रखिएगा। अब मैं यहाँ 1/2 छोटा चम्मच तेल डाल रही हूँ, ऑप्शनल है। देखिए से ये देखिए स्मूथ पेस्ट बन गया है ना, ये रेडी हो गया हमारा पेस्ट, पिस्ता पेस्ट। ये चॉकलेट डोम्स हमारे रेडी हो गए। इसमें ये जो बिस्किट और नट का हमने आटा लगाया था उसको लगाएंगे, हल्के हल्के हाथ से लगाना है, पूरा कवर कर देना है, एक लेयर लगानी है। इन सबको हम इसी तरीके से कर देंगे। अब इसमें मैं पिस्ता पेस्ट जो बनाया था वो भरेंगे, ऑप्शनल है, आप कुछ भी अपनी चॉइस का भर सकते हैं। ये पिस्ता है, इसमें हमने कुछ नहीं डाला है, पीनट बटर है, आप चाहे तो नटीला डाल सकते हैं, कैरेमल डाल सकते हैं, कुछ भी जैम भी डाल सकते हैं बच्चों की चॉइस का। इस तरीके से देखिए ये पूरा भर देंगे अच्छे से। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पीनट बटर, नटेला, मैंने 3 तरह के इसमें फिलिंग भरी है। अब इसमें जो बचा हुआ बिस्किट का हमारा आटा है उससे हम इन सबको कवर कर देंगे, फ्लैट कर देंगे इसको हम एक जैसा, इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से दबाएंगे, ये कवर हो गया पूरा। इन सबको कर देंगे कवर करने के लिए, फ्लैट कवर करने के लिए मैंने 5 ग्राम चॉकलेट गर्म की है, इसे सील कर देंगे, देखिए चॉकलेट से इस तरीके से। इन सबको कर देंगे और 5 से 10 मिनट तक के लिए फ्रिज में रखेंगे, इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए डेकोरेशन के लिए तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने वाइट चॉकलेट ली है, माइक्रोवेव में रख के दिखा रही हूँ, 30 सेकंड का मैंने टाइम सेट किया है, देखिए। अब ये मैं आप चेक करूँगी, मेरे को लग रहा है नहीं हुई है मेल्ट, वाइट चॉकलेट थोड़ा सा टाइम लगाती है। वापस मैं इसको 30 सेकंड के लिए रखूँगी, ये देखिए रेडी हो गई है वाइट, और मैंने डार्क चॉकलेट दोनों को मेल्ट कर लिया है। अब आपके पास पाइपिंग बैग है तो ठीक है, नहीं है तो आप कोई भी पॉलीथीन बैग लेके इसमें थोड़ा सा भर सकते हैं। ये इसको अब देखिए, ये जो मोल्ड है धीरे धीरे से निकालेगा, बहुत धीरे से, ये देखिए रेडी हो गया, कितना शाइन कर रहा है, इस तरीके से सारे रेडी हो गए।
आप किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने वाइट और डार्क चॉकलेट यूज़ की है। अब जो केक पे डेकोरेशन करने के लिए आता है, कलरफुल जो आते हैं वो आप लगा सकते हैं। सिल्वर या गोल्डन पेपर आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लीजिए, रेडी हो गया है चॉकलेट डोम विथ नट्स। कितना दिखने में टेस्टी लग रहा है। नेक्स्ट रेसिपी भी मेरी बहुत ईजी है। मैं ला रही हूँ चॉकलेट कप विथ पिस्ताशो क्रीम। जो बनाने जा रही हूँ चॉकलेट कप विथ पिस्ताशो क्रीम, बहुत ही ईजी है और फेस्टिवल पे और किसी भी ओकेशन पर आप बना सकते हैं। मैंने ली है 120 ग्राम चॉकलेट मिल्क कंपोनेंट। आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगी, नहीं तो अमूल या कैडबरी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने पहले वाली रेसिपी चॉकलेट डोम विथ नट्स में चॉकलेट कैसे मेल्ट करते हैं ये रेसिपी बताई। अब मैंने यहाँ पे ली है सिलिकॉन कपकेक मोल्ड्स, आते हैं जो ऑनलाइन मिल सकते हैं, किसी भी बेकरी शॉप पे भी मिल जाएंगे आपको। आपके पास नहीं है तो आप स्टील की कटोरी बटर पेपर लगा के रख सकते हैं। अब यहाँ एक छोटा चम्मच मैं चॉकलेट ले रही हूँ, इसे अच्छे चारों तरफ से कवर कर दूंगी, पूरा कवर कर दूंगी, और फिर से 5 मिनट में हम फ्रिज में रख देंगे और फिर से लगा के फिर से ये चॉकलेट हम वापस रिपीट करेंगे यही प्रोसेस। एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल देंगे। ये ध्यान रखिए जो कॉर्नर से इसकी मोटी होनी चाहिए, नहीं तो निकालते वक्त टूट जाएगी। अब बनाएंगे चीज़ क्रीम। मैंने आधा लीटर गाय का दूध लिया है, आपके पास नहीं तो फुल क्रीम दूध ले सकते हैं। अब यहाँ 2 बड़े चम्मच में दही डाल रही हूँ। पहले से दूध गर्म था, गर्म दूध में ही डालना है हमें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं दूध में डालना है। जैसे धुआं निकल रहा है तभी डाल दें आप। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप 2 बड़े चम्मच विनीगर भी डाल सकते हैं। देखिए फटने लगा है, ये 2 से 3 मिनट के अंदर रेडी हो जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। हम पनीर बनाते हैं वैसे ही बनाना है। ये देखिए हरा हरा पानी दिखा है, इसका मतलब ये रेडी हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे। अब इसे मैं छालनी में छान दूंगी, इसका पानी पूरा निकाल देंगे। अच्छे से पानी निकल जाना चाहिए और 2 बार हम इसको सादे पानी से धो लेंगे। अब इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इससे हम आटा भी लगा सकते हैं और अभी चीज़ बनाएंगे उसमें भी यूज़ करेंगे। अब मैं इसको फूड प्रोसेसर में डाल रही हूँ। 2 बड़े चम्मच मैंने पानी डाला है और 5 नमक डाला है। अब इसको मिक्सी में घुमाएंगे जब तक स्मूथ नहीं होता है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 2 छोटे चम्मच पानी डाल सकते हैं। ये लीजिए रेडी हो गया चीज़ क्रीम। अब इसको फ्रिज में रख देंगे, आप इसको 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। अब बनाएंगे पिस्ताशो क्रीम। यहाँ मैंने एक बाउल में पानी और बर्फ़ लिया है और उसके ऊपर एक और दूसरा बाउल लिया है, आप कांच का या स्टील दे सकते हैं। मैंने 250 ml का अमूल व्हिप्ड क्रीम लिया है चिल्ड। इसको एटलीस्ट 6 घंटे तक आपका फ्रीज़र में होना चाहिए। इसे हम 3 मिनट तक फेंटेंगे, इसे मीडियम से हाई स्पीड तक फेंटना है। 1/2 कप मैंने यहाँ पे आइसिंग शुगर ली है, आप इसे शुगर पाउडर भी ले सकते हैं। और ये ध्यान रखिए कि इसे हम धीरे धीरे डालना है, 1-1 चम्मच करके हमें डालना है और फेंटते जाना है। आप हाथ से भी फेंट सकते हैं। अभी मैंने चीज़ क्रीम लिया है, 2 बड़े चम्मच चीज़ क्रीम ले रही हूँ। अब इसे 1 मिनट तक और फेंटना है। 1/2 चम्मच वनीला एसेंस डाल रहा है, हम थोड़ा सा और फेंटेंगे। अब ये नीचे ठंडा रहता तो आप चम्मच से बार बार हिलाते रहिएगा। अब मैं ले रही हूँ 4 बड़े चम्मच पिस्ताशो पेस्ट और यहाँ पे मैं 1/3 चम्मच फूड कलर ले रही हूँ, हरे रंग का, ये ऑप्शनल है। पिस्ताशो पेस्ट मैंने पहले वाली रेसिपी चॉकलेट डोम विथ नट्स में बताई है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्रीम रेडी हो गई है, अब इसे फ्रीज़र में रखना है। हमारे यहाँ गर्मी रहती है इसलिए इसे फ्रीज़र में ही रखना है, नहीं तो मेल्ट होने लग जाता है। अब मैं यहाँ पैकिंग बैग ले रही हूँ, इसमें मैं भर दूंगी। इसे भी हफ्ते भर आप पैकिंग बैग में भरा हुआ रख सकते हैं, जब आपको यूज़ करना आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट कप रेडी हो गए हैं, अब इसे धीरे धीरे से निकालेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था ये ऊपर से अगर पतली होती है चॉकलेट तो टूटने का डर रहता है, बहुत धीरे धीरे से निकालिएगा आराम से, इस तरीके से थंब और फिंगर से आप पकड़ लीजिएगा बीच में से उधर से, ये देखिए निकल गया है, इसलिए इसकी कोटिंग थोड़ी मोटी रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ये लीजिए रेडी हो गए हैं, अब इसमें हम भरेंगे फिलिंग, पिस्ताशो फिलिंग। अब ये ध्यान रखिएगा आप ये कप्स बना के फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आप सर्व करें तभी फिलिंग भरेगा, भर के रखेंगे तो सॉगी हो जाएगा ये। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी ऐसी इजी राखी और फेस्टिवल रेसिपीज लेकर आने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए।